इस मॉड्यूल के अंत में आप आर्क स्ट्राइक करने की विभिन्न विधियां समझ सकेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट उपयोग करके आर्क को स्ट्राइक करने के लिए गैर संपर्क विधि उपयोग की जाती है। आर्क स्ट्राइक करने से पहले कुछ प्राथमिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। आइए पहले उनको देखें। टीआईजी मशीन को इलेक्ट्रिकल विद्युत आपूर्ति के साथ जोड़ें और टीआईजी मशीन को स्विच ऑन करें। रेगुलेटर और फ्लो मीटर के माध्यम से गैस सिलेंडर बॉटल को टीआईजी मशीन या हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट के साथ जोड़ें। यदि ये कॉम्पोजिट यूनिट है तो टॉर्च को टीआईजी मशीन के साथ जोड़ें। यदि टीआईजी मशीन कॉम्पोजिट यूनिट नहीं है तो हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट टीआईजी पावर हाउस के साथ जुड़ी होनी चाहिए। टॉर्च को हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट के अंतस्थ के साथ जोड़ें। हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट में ऊष्मा प्रवाहित करने के लिए इनपुट पावर सप्लाई को स्विच ऑन करें। कार्य के लिए सुझाई गई टंगस्टन इलेक्ट्रोड गैस फ्लो की जांच करें और सेट करें। टीआईजी मशीन से वर्क केबल को जॉब से जोड़ें। यदि फीडबैक केबल मौजूद हो तो उनको भी जोड़ें। चुनी गई टंगस्टन इलेक्ट्रोड के प्रकार और माप के अनुसार करंट सेट करें। अब आप आर्क स्ट्राइक करने के लिए तैयार हैं। आइए अब देखें कि आर्क किस तरह स्ट्राइक किया जाता है। टॉर्च स्विच दबाकर टॉर्च स्विच को स्विच ऑन करें। गैस प्री फ्लो आता है। पायलट आर्क आता है। मेन आर्क स्थापित होता है। टॉर्च स्विच छोड़कर मशीन को स्विच ऑफ कर दें। मेन आर्क बुझ जाता है। गैस पोस्ट फ्लो आता है और रुक जाता है। संपर्क विधि में आर्क स्थापित करने के लिए टंगस्टन इलेक्ट्रोड को जॉब या कार्बन ब्रश के साथ भौतिक रूप से शॉर्ट सर्किटिंग करवा के आर्क स्ट्राइक किया जाता है। आर्क स्ट्राइक करने की संपर्क प्रक्रिया द्वारा वेल्डमेंट और इलेक्ट्रोड दूषित हो जाते हैं, इसलिए टीआईजी वेल्डिंग में संपर्क विधि द्वारा आर्क स्ट्राइक करने का सुझाव नहीं दिया जाता।